हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम कुछ इस तरह के लोगों से शुरू कर रहे हैं। हम और भाई लुधियाना जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये अभी हम जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं, तवी रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे, बने रहो। तो ये अब हम रेलवे स्टेशन के अंदर पहुँच चुके थे। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी हमारी ट्रेन वंदे भारत की, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे चाय भी पी थी, काफ़ी अच्छी चाय थी रेलवे स्टेशन की, काफ़ी अच्छी चाय थी। यार जी, कैसी चाय है यार? काफ़ी अच्छी चाय है, जो हमने रात से पी थी उससे ज़्यादा अच्छी चाय है। काफ़ी अच्छी चाय है रेलवे की, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी होगी, लेकिन अच्छी चाय है ना, टेस्टी है। तो ये हमारी ट्रेन वंदे भारत कटरा से पहुँच चुकी थी रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी खूबसूरत ट्रेन है यार ये, काफ़ी अच्छी है, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप आगे आगे देखिए कितना अच्छा इंटीरियर है इस ट्रेन का, बने रहे आप बस। तो अब इसमें हम बैठने ही वाले थे, अब मैं आपको अंदर का इंटीरियर लुक दिखाता हूँ, कैसी ट्रेन है ये। अब देखो आगे आगे, ये देखिए। सबसे पहले भाई चढ़ रहा था अंदर, ये भी अपना व्लॉग बना रहा था गाइज़, आप इसका भी व्लॉग चेक कर सकते हो। इसके चैनल का नाम है जुनेद शेख व्लॉग व्लॉग्स। तो ये लुक के कुछ यार इंटीरियर जो हमारी ट्रेन थी वंदे भारत, काफ़ी बढ़िया लुक लगा मेरे को। अब देख सकते हो बहुत कंफर्टेबल है यार ये, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे मैंने, आप देख सकते हो। तो गाइज हम निकल चुके हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छी ट्रेन है यहाँ पे, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। बाइक कैसी ट्रेन है यार? बहुत ज़्यादा एसी कंटिन्यूसली ऑन है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, गर्मी बहुत ही बाहर, लेकिन अंदर एकदम से ठंड हो गई, काफ़ी अच्छा है गाइस। अब देख सकते हो, चेक करो, आपको हमको पूरा व्यू दिखाते हैं। हम लुधियाना जा रहे हैं, हम लुधियाना तक पूरा व्यू दिखाते हैं, ठीक है बाय। काफ़ी मज़ा लग रहा है हमें ट्रेन में, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। अगर आप वाइस वाइस कर रहे हैं, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी सही है यार ट्रेन, काफ़ी अच्छी है वैसे, गुड। गाइस खाना आ चुका है, आप देख सकते हो। अभी शायद खाने में हमको उपमा है खाने में, और साथ में कटलेट डिश है, आलू टिक्की बोल सकते हो आप उसको। मसाला चाय फिर से दे दी है, टोमेटो केचप है, साथ में दही है मलडेरी की, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा है भाई, क्या बोलना चाहते हो आप? ओपी यार, काफ़ी सर्विस अच्छी है वैसे। गाइस मैं खाना खाने जा रहा हूँ, देखो कैसा टेस्ट है। कैसा है? काफ़ी अच्छा है, कटलेट डिश खाता हूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बाहर का व्यू है पंजाब का, कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हो। ट्रेन तो काफ़ी बढ़िया है यार, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड है यार इस ट्रेन की, वंदे भारत। सर्विस काफ़ी अच्छी है इनकी, देख सकते हैं भाई, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार, है ना, काफ़ी अच्छा व्यू है यार बाहर का, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है यार ये। गाइस फाइनली हम लुधियाना पहुंच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम इस ट्रेन में आए थे, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हमें लुधियाना जाना है, देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं लुधियाना, ठीक है, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। गाइस तो ये है लुधियाना का नया रेलवे स्टेशन, ये तैयार हो रहा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। हमारा जम्मू का तो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ से निकल पड़े थे, हमें यहाँ से जाना था ऑफिस, जाना था भाई के ऑफिस। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है हमारे साथ। तो ये लुधियाना सिटी है, कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था गाइस, और यहाँ के ड्राइवर कुछ नहीं देखते हैं, कहाँ से आते हैं कहाँ को जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। आगे आगे देखिए कितना ट्रैफिक मिलता है हमें। तो गाइस जब हम निकल पड़े थे, हमने ऑटो करा था ऑफिस तक जाने के लिए, काफ़ी दूर था वैसे ऑफिस,
कोई अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर दूर था रेलवे स्टेशन से, आप देख सकते हो। तो गाइस जैसे ही हम काम ख़त्म करके वापस आए तो आप देख सकते हैं इतनी ख़तरनाक बारिश हुई लुधियाना में कि ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ गई है। पूरी रोड्स फ्लडेड हो चुकी थी पानी से गाइस यार, और हम बहुत परेशान हो चुके थे। तो हमने सोचा छोड़ो यार कुलचा खा लेते हैं, तो हमने ट्राई किया लुधियानवी कुलचा ट्राई किया हमने, काफ़ी डिफरेंट था यार ये, जो जम्मू में बनता है उससे काफ़ी डिफरेंट था और टेस्टी भी था मेरे हिसाब से। तो मैं भैया को रेटिंग देता हूँ 9 out of 10 की। कैसा है? काफ़ी डिफरेंट है यार हमारे यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। अच्छा है। तो गाइज़ हम ज़्यादा घूम नहीं पाए तो हमने सोचा क्यों ना हम रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन देखिए गाइज़ हम जाते कैसे, पानी ही पानी, कैसे जाते हम। तो गाइज़ हमें एक ऑटो वाले भैया मिले, उन्होंने हमसे 10-10 रुपये लिया और ये रोड हम क्रॉस करवा दी हमें। आप देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा पानी आता लुधियाना में यार। तो ये ऑटो वाले भैया थे जिन्होंने हमें रोड क्रॉस करवाई, वहाँ से रेलवे स्टेशन तक हमें लाया। और ये देखिए कैसे लोग आ रहे थे, सारे लोग दर बदर हो चुके थे। अब तो गाइस मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि मेरी मर्ज़ी नहीं कर रही थी व्लॉग बनाने की, और हमारी ट्रेन भी थी 4:30 की, तो मैं फिर जम्मू आ चुका। थैंक यू गाइस।